तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले एक से ज्यादा शेयर्स के बारे में, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में, जहां पर आज के दिन आपको एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। किसी प्रकार की कोई बड़े मूवमेंट नहीं है, लेकिन आज के दिन टाटा पावर को लेकर जो न्यूज निकल कर आई है वो काफी पॉजिटिव न्यूज है। न्यूज आपके स्क्रीन पर है। एनडीटीवी की तरफ से इस न्यूज को पब्लिश किया गया है 17 अगस्त 2022, आज ही के दिन की यह न्यूज है, जो कि इवनिंग सेशन में 4:57 पर निकल कर आई है, जिसमें दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी साइन एग्रीमेंट विद टाटा पावर फॉर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये अल्टीमेटली जो दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जितने स्टूडेंट है उनको ट्रेन करने के लिए ये टाटा पावर के साथ में एग्रीमेंट साइन किया गया है। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पर टाटा पावर को भी इस न्यूज का मिलने वाला है। बात करें टाटा पावर की, तो टाटा पावर के अंदर आप ₹245 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट इस शेयर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं और यहां पर अपनी खरीदारी को होल्ड करते हुए रख सकते हैं। आज के दिन टाटा पावर के अंदर दो और बड़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो कंपनी ने एक लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है, साथ ही साथ कुछ इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल की अपडेट्स भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। और इस इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल के अपडेट्स के जो भी आउटकम्स निकल कर आएंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है IRCTC। IRCTC जहां पर आज के दिन आपको इस शेयर के अंदर 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछला एक महीना IRCTC के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। यहां पर हमें लगभग 11-12% की शानदार तेजी IRCTC के अंदर देखने को मिली है। वही बात करें IRCTC को लेकर क्या न्यूज निकल कर आ रही है, तो आज के दिन मिंट की तरफ से ये न्यूज पब्लिश करी गई है, जिसमें अडानी विलमार IRCTC हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अमंग स्टॉक्स देयर मे गेट इंक्लूडेड इन नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो यहाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर इन 5 कंपनियों के नाम अब हमें एड ऑन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। IRCTC, मदरसन, बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और अगर इन 5 कंपनियों को निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है तो यहाँ पर हमें फंड का काफ़ी अच्छा इन्फ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने IRCTC के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। आज के दिन जोमेटो के अंदर 1.5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है, साथ ही साथ वॉल्यूम बेस काम में जोमेटो लिमिटेड अगेन हमें NSE और BSE में नंबर 1 पोजीशंस पर देखने को मिला है। आज के दिन जोमेटो लिमिटेड के अंदर 25.80 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने लगभग 7.62 करोड़ क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है। बात करें कि आज के दिन इस शेयर्स के अंदर क्या बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, तो आज के दिन जोमेटो लिमिटेड के अंदर 20 लाख शेयर्स की एक बड़ी बल्क डील हमें देखने को मिल रही है, जहां पर 20 लाख शेयर्स विद इन अ सेकंड यहां पर खरीदे गए हैं। तो यदि आपने भी जोमेटो के अंदर खरीदारी कर रखी है तो आप लॉस में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर करने की जगह अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल चुके हैं। कंपनी के लॉस में काफी अच्छी रिकवरी आई है जून क्वार्टर में, तो नो डाउट यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जहां पर आपको स्प्लिट देखने को मिल रहा है। कंपनी हर एक शेयर के बदले 5 शेयर आपको स्प्लिट के रूप में देने जा रही है, और कल ही के दिन हमें इस कंपनी के स्प्लिट की एक्स डेट देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम है मंगलम ग्लोबल इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जहां पर आज के दिन आपको इस शेयर के अंदर 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, और यही ₹214 का शेयर कल से आपको लगभग 40-42 रुपए की प्राइस पर देखने को मिलेगा। कंपनी की बात करें तो मैक्सिमम ईयर्स में कंपनी ने 340% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल नंबर्स की बात करी जाए तो रिसेंटली कंपनी ने अपने जून क्वार्टर्स के नंबर डिक्लेयर किए हैं, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट पूरी तरीके से खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी काफी बड़े लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो यदि आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं, तो यहां पर आप टाइमली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। सिर्फ 556 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो यहां पर आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी हमें हाईली रिस्की भी देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं यहां पर कंपनी ने जो 1:5 की रेशो का स्प्लिट अनाउंस किया था, उसकी एक्स डेट हमें कल के दिन यहां पर देखने को मिलेगी 19 अगस्त 2022। तो यहां पर कल से ये शेयर आपको ₹200 का शेयर आपको लगभग 40 रुपए पर ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे वो विद इन अ 15 डेज आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस्ट 5 स्टॉक्स के बारे में। ये मिड कैप स्टॉक्स आने वाले लॉन्ग टर्म में काफी मल्टी बेगर रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकते हैं, तो यदि आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मन बना सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है NGL फाइन
केमिकल्स लिमिटेड, जहां पर आज के दिन आपको शेयर्स के अंदर 10% की तेजी देखने को मिल रही है। इस कंपनी की बात करी जाए तो 1000 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है, एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। जून क्वार्टर्स के नंबर्स कंपनी के बिल्कुल भी अच्छे हमें देखने को नहीं मिले, जहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 97% से डिक्लाइन हुआ है, वहीं कंपनी का रेवेन्यू भी लगभग 10% से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, ब्रोकरेज फर्म्स का भी कहना है कि यहां पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो ये शेयर्स आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, जहां पर आज के दिन आपको इस शेयर के अंदर 7 से 7.25% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं इस कंपनी के मैक्सिमम इयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो जिस शेयर प्राइस पर ये हमें कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी, उस प्राइस से शेयर अभी भी हमें लगभग 10 से 11% नीचे ही ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। एप्टस की बात करें तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। जून क्वार्टर्स में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 50% की जंप देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रतिशत की बात करी जाए तो वहां पर भी लगभग 7.5% की जंप हमें देखने को मिल रही है। तो एप्टस के फाइनेंशियल नंबर्स काफी अच्छे हैं, यदि आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं तो यहां पर मन बना सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है आवास फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट काफी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल चुके हैं, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू लगभग 52% से और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 50% से हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल चुका है। इस कंपनी के अंदर भी अगर आप पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहां पर मन बना सकते हैं, और अगर ऑलरेडी आप यहां पर पोजीशंस बनाकर बैठे हैं तो यहां पर अपनी पोजीशंस को फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। आज के दिन हैवेल्स के अंदर आपको 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। मैक्सिमम इयर्स में हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ने लगभग 71,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। अगर हैवेल्स के भी फाइनेंशियल नंबर्स की बात करी जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स काफी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। जून क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 62% की जंप और कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 3 से 3.25% की जंप हमें देखने को मिल रही है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। आज के दिन इस शेयर्स के अंदर 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड ने भी मैक्सिमम इयर्स 281% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। बात करी जाए कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की, तो कंपनी ने जून क्वार्टर्स के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। नंबर्स बहुत ही अच्छे निकल कर आए हैं, जहां पर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 47% की जंप और कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 200% की जंप हमें देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं लास्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, जहां पर आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर 4 से 4.25% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इस कंपनी ने भी मैक्सिमम इयर्स में काफी शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। इस कंपनी के भी फाइनेंशियल नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर भी कंपनी का रेवेन्यू के अंदर 23% की जंप और कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर 26% की जंप हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप इन 5 बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मन बना सकते हैं। ये शेयर्स काफी मल्टी बेगर रिटर्न्स आपको फ्यूचर में बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।